जैसे कि आज आप देखे होंगे कि यहाँ पे आज सारे तमाम कॉर्पोरेटर्स, हर पार्टी के कॉर्पोरेटर्स आके आज एक स्ट्राइक यहाँ पे किए हैं कॉर्पोरेशन ऑफिस में। इस वजह से किए हैं कि शहर में, सारे शहर में, हर वार्ड में, हर गली में यही पानी के वजह से, पानी जो इतना गंदा पानी आ रहा है L&T की तरफ से, जो ये लोग भरोसा दिए 24x7 में हम साफ़ पानी देंगे, अभी इनकी हालत यही देखने में आ रहा है कि इनके कितना गलीस पानी ये लोग दे रहे हैं, इतनी गलीस, इतना गलीस पानी है कि उसको पी भी नहीं सक रहे। मैं तो समझता हूँ जानवर भी नहीं पी रहा होगा ये पानी, उतना गलीस पानी आ रहा है। और वार्ड नंबर 41 में सबसे पहले सर्वे किया गया L&T की तरफ से, तो वार्ड नंबर 41 में किया था, इतना भरोसा दिए थे, लेकिन आज एक साल होने आ रहा, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं इनका, कोई काम के लिए पूछो, इतना मैन पावर है इनके पास। तो जब भी हम इनसे पूछते हैं कि इनको हम पानी के मसले पे जब भी हम बात करते हैं, तो एक ही बहाना बनाते हैं कि भाई हो रहा है, इंशाल्लाह होगा, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। बस पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ कि भाई कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आज मैडम कनीज फातिमा के मौजूदगी में सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर, KUDC ऑफिसर और अपने L&T वालों को भी एक मेमोरेंडम दिए हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये सॉल्व करने की बात किए हैं। और दुलबर्गा के तमाम आवाम से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द पानी साफ मिलेगा आपको।